अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना कामरान और आप देख रहे हैं रहमानी न्यूज़। कुशवाहा में मौजूद है, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। ये भी वीडियोस देखेंगे जो इन्होंने काम किया है, तमाम नौजवानों ने, सफाटा के नौजवान। ये फैशन डिजाइनर भी यहाँ पे है, ग्राफिक डिजाइनर भी मौजूद है। कॉमेंट से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे ये आप में इतना टैलेंट कहाँ से आया। ये गॉड गिफ्टेड है। एक बात हमें बतानी है, जो नौजवान यहाँ डिग्री करते हैं पाकिस्तान से बाहर, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका पहुँच जाते हैं। आपने कहाँ पहुँच? मैंने पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान का नाम ही रोशन। इतनी महंगाई के बाद भी ये पाकिस्तान में गैप करेंगे इनके लिए? हम तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका स्कोप ये है कि एक तो अगर आपने कहीं बाहर ऑफिस में नहीं जाना, आप घर बैठे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। 10 लाख कमा। यस, मैं 3D भी है, 3D एनिमेशन भी, आप कार्टून भी बना सकते हैं, 2D इलस्ट्रेशंस भी है, आप वो भी कर सकते हैं, 2D कार्टून भी बनते हैं, भी बना सकते हैं। वो पाकिस्तान मूवी शान आ रहे हैं। इसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा एनिमेशन में भी। हमने ग्राफिक में बेसिक पढ़ा ना, इलस्ट्रेशंस पे किया। नहीं पढ़ जाए तो पाकिस्तानी बनाऊंगी कुछ लेसन जी। वो भी जैसे हमाइयों से ही बनाता है। हमाइयों भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो देखें, कोमल कह रही है आपसे अच्छी मूवी बनाएंगे, क्या हाल है? मैं भी। मुझे आप फवाद खान लग रहे हैं, लगते बड़े होकर फवाद। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं? आज नहीं तो कल तुम लोगों का टाइम जरूर आएगा, बस उम्मीद नहीं छोड़नी तुम लोगों ने। आप आमिर खान की मूवीज देखते हैं? खान की नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है पाकिस्तान में इस फील्ड में स्कोप है? बनाना पड़ेगा ना स्कोप, तो यह तो बनाएंगे भी, नाम जाहिरा रोशन करेंगे, इंटरनेशनल लैंड लाएंगे तो यहाँ पे भी चलेगा। मानूर आप क्या करेंगे? ता मुझे इलस्ट्रेशन का शौक है, उसमें जाओ। मैं कुछ और करूँगी, कुछ डिफरेंट पता कर। केटू की पारी। ये हर बंदा मेरा ना फोन पे नहीं कर सकता। इस पे 50-60,000 लगा, तो आप सोचे फिर हमारे पीसेस कितनी होगी। वरना पाकिस्तान में तो जी और लड़कियों के बारे में खास तौर पे कहा जाता है कि FABA कराओ तो शादी करो। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स मेरा थीसिस देखने के बाद कहेंगे अब शादी नहीं करनी, अब परस्यू करो इसको। आप ये कहेंगे? वो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं जो करना चाहूँ। एक आम आदमी के मैंने भी आपकी तरह सफाटा डिपार्टमेंट में आना है, यहाँ पे गिफ्ट यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है? एक बच्ची थी, उसका थीसिस का था थोड़ा इशू, पर वो टैलेंटेड थी तो पूरा थीसिस डिपार्टमेंट ने उसका कराया। मैं समझता हूँ गिफ्ट यूनिवर्सिटी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोशल स्टिग्मा जिसमें हर कोई गुजरता है अपनी जिंदगी में। कभी कोई फैसला करना हो, सिर्फ हमारे दिमाग में लोग चल रहे होते हैं, लोग इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी जिंदगी में। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। हमारे डिसीजन में अपना डिसीजन होना चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उस पर फॉर्म रहो, ठीक है। और इस पे मैंने अपनी स्टोरी बुक क्रिएट किया जिसका नाम है विस्पर्स ऑफ गुलशनपुर। ये सारा खुद डिजाइन किया? ये पैदा जापानीज कंपनी का स्टूडियो है, स्टूडियो पेंट, उस पे ये हुआ है, टैबलेट के साथ ही काम होता है। और यस, और ये पोस्टर है जी, जी सब कुछ इलस्ट्रेट हुआ है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि जिस चीज को मैं लेके चली थी वो आज इस मुकाम पे है। लाइफ में जो भी बनना है बन जाओ। जो दुनिया में तमाम पाकिस्तानी माओं को पैगाम दे रही है कि आप अपने बच्चों को मौका दें, बेटियों को खास तौर पर मौका। और क्या कमाल पोस्टर है ये, देखें ये इन्होंने खुद बनाया है। ये कैसे बनाया आप? मैंने इसको फोटोशॉप पे बनाया एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ये देखें नाज़रीन, ये जितना भी काम यहाँ पे नजर आ रहा है वो देखिए, वो पोस्टर भी है, ये देखें, ये सारा जितना भी इन्होंने काम किया है कमाल काम किया है। चार प्रोफेशनली तौर पे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, डिजाइनर भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं। इसका नाम है ख्वाबों की जीत, इसको मैं रिलीज करूंगी यूट्यूब पे। मेकअप आर्टिस्ट ऑफिशियल मेरे पेज है, यहाँ पे मेंशन दिया है यूट्यूब पे। हमना की मूवी भी आपने देखनी है, ख्वाबों की जीत। हरी तरफ से निगाहें बटा लो। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कमाल यहाँ पे लग रहा है, नुसरत फतेह अली खान के पास हम आए हुए हैं, जो वाला गिफ्ट यूनिवर्सिटी की। क्या कमाल बात है कि ऐसे नौजवान जो यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, हमें जिंदा रहने तो है हुस्न वालों। वाह, क्या बात कर रहे हैं। इकराम का जिक्र होता है, जिस जिक्र में पाकीजगी हो वो जिक्र हमारे लिए बेहतर है। आपने नुसरत की जगह इधर हनी सिंह की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? मुझे किसी लेजेंड को ट्रिब्यूट देना था जिसके लिए मैंने इनको चूज किया था। ये तो मैंने स्टडी की थी इनपे, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने इनकी बायोग्राफी लिखी, स्केचेस बनाए इनके, वो सारी प्रमोट किया वहाँ पे बायोग्राफी। या मैंने सारा नादरीन ये सारा इन्होंने खुद से किया है, और सारी पिक्चर्स है उनकी, इन्फॉर्मेशन है सारी, किताब इन्होंने लिख दी है नुसरत फतेह अली खान पे, ये सारा सेटअप इन्होंने खुद तैयार किया। महनूर के वालिद साहब भी मौजूद हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महसूस करते हैं? ये शौक की बात है, वैसे मैं भी ये बहुत शौक से सुनता था, बच्चों में भी कुछ ना कोई तो विरासत में चीजें जाती है ना।